हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केन स्टडीज़। आई एम विकास। और जैसा कि हमारा जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ है, उसमें एक वीडियो आ चुका है और आज ये दूसरा वीडियो है जो कि जनवरी के दूसरे हफ्ते का है। ये दो पार्ट्स में होगा, Part-1 और Part-2 में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट के मिसाइल्स। के मिसाइल्स आर क्रूज मिसाइल एंड सेकेंड स्टेटमेंट के मिसाइल्स आर लॉन्च फ्रॉम लैंड बेस्ड पैड्स। तो जो के मिसाइल्स होती हैं वो क्रूज मिसाइल नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, और इनको जो है सबमरीन से लॉन्च किया जाता है, न कि लैंड बेस्ड पैड से। तो हाल ही में ये क्वेश्चन चर्चा में इस वजह से है क्योंकि हाल ही में DRDO ने 3500 किलोमीटर रेंज का एक K4 मिसाइल टेस्ट किया है ऑफ द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम। हमारा जो अरिहंत है, जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, वो K15 सगरिका मिसाइल से लैस है। उसी दिशा में ये एक अपग्रेडेड वर्जन है, जो K15 सगरिका मिसाइल है, उसका रेंज 750 किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस। हाँ, ये क्वेश्चन, ये जो कोरोना वायरस है ये काफ़ी चर्चा में हाल ही में। इसका ओरिजिन जो है वो वुहान में है। वुहान में जो सी फूड मार्केट है, बेसिकली वहाँ पर इसका ओरिजिन ट्रेस किया गया है। जो नाम कोरोना वायरस ये पड़ा है, दरअसल एक कोरोना लैटिन वर्ड से पड़ा है जिसका मतलब होता है क्राउन। जब हम माइक्रोस्कोप में इस वायरस को देखते हैं तो इमेज कुछ क्राउन शेप में नज़र आती है, इसीलिए इसका नाम कोरोना पड़ा है। सिम्टम्स जो होते हैं मेनली इसके, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़। इन सीवियर केसेस, जब काफ़ी हद तक ये बढ़ जाता है, तो उस केस में किडनी फेलियर और डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल असद एयरबेस इज लोकेटेड इन इराक। हाल ये क्वेश्चन चर्चा में इस वजह से है क्योंकि हाल ही में ईरान ने रिटेलिएट किया है उनके जो कमांडर थे ईरानियन कुद फोर्स के, जनरल कासिम सोलेमानी, उनके जो है US ने असैसिनेट कर दिया था। तो उसी को रिटेलिएट करने के लिए ये ईरान ने जो इराक का अल असद एरिया है उस पर अटैक किया है। इस एरिया को इस वजह चुना गया है क्योंकि यहाँ पर जो US और उसकी जो कलीजन फोर्सेस हैं वो रह रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोघल मारी मोनेस्ट्रीज़, ये वेस्ट बंगाल में है। हाल ही में जो क्ले टैबलेट्स होती है, बेसिकली क्ले टैबलेट्स, वो जो जिनको मिट्टी को गर्म करके फिर बनाया जाता है, उन पर इंस्क्राइब किया गया था। तो वहाँ पर जब एक्सकेवेट किया गया तो वहाँ पर हमें जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं उनका ट्रेसिस मिले हैं। ये वेस्ट बंगाल के जो पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लोकेटेड हैं, और इनका एग्जिस्टेंस जो है वो 6th सेंचुरी कॉमन एरा से 12th सेंचुरी कॉमन एरा तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट नियॉन इज़ रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नियॉन जो शब्द है वो निकला है नियो प्लस ह्यूमन, दैट इज़ न्यू ह्यूमंस। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो सैमसंग्स का स्टार लैब्स है उनका प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि जो वर्चुअल ह्यूमंस हैं वो ह्यूमन इमोशन शो कर सकते हैं व्हेन दे आर कंट्रोल्ड बाय देयर क्रिएटर्स। इंडिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 13th रैंक है इंडिया का आउट ऑफ 200 कंट्रीज़, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंडियन इकॉनमी को बूस्ट करेगा बाई 1.3% बाई 2035। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर स्टेटमेंट्स अबाउट नेचुरल गैस। इंडिया शेयर इन नेचुरल गैस इज 6.2% ऑफ इट्स एनर्जी बास्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, ग्लोबल शेयर इज 30%, एंड थर्ड स्टेटमेंट है ग्रीन हाउस गैसेज आर नॉट इमिटेड ऑन बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो इसमें जो इंडिया का शेयर है 6.2% ऑफ इट्स एनर्जी बास्केट, ये सही है, बल्कि जो बट जो ग्लोबल शेयर है, ग्लोबल टोटल शेयर ऑफ एनर्जी बास्केट इज इन ऑफ नेचुरल गैस इज 23.4%। और जो ग्रीन हाउस, ऐसा नहीं है कि जब नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस नहीं इमिट होती हैं, वो इमिट होती हैं, बट इसमें एक एडवांटेज ये होता है नेचुरल गैस को यूज़ करने का कि जो कोल बेस्ड फ्यूल्स होते हैं दे इमिट मोर ग्रीन हाउस गैसेस इन कंपेरिजन टू यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ननकाना साहिब इज़ फेमस फॉर। तो जो ननकाना साहिब, ये गुरुद्वारा है पाकिस्तान में, और यहाँ पर जो फर्स्ट सिख गुरु थे, सिख फर्स्ट गुरु जो थे, इनका नाम था गुरु नानक, उनका जन्म हुआ था यहाँ पर।
और इसको जो ननकाना साहिब है ये महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था इन 1818 एंड 1819। ये चर्चा में इस वजह से है, हाल ही में कुछ मिसक्रिएंट्स ने इसको वेंडलाइज किया है और ये क्वेश्चन इस वजह से और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल ही में हमने गुरु नानक देव की 550वीं वर्षगांठ बर्थ एनिवर्सरी मनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलन एक्सरसाइज। तो जो मिलन एक्सरसाइज है ये 1995 में स्टार्ट हुई थी और इस बार ये जो कंडक्ट की जाएगी ये मार्च 2020 में, जो कि इंडिया होस्ट करेगा। इसमें 41 नेशंस को इनविटेशन भेज दिया गया है, जिसमें से 30 ने अपना जो है इनविटेशन कंफर्म कर दिया है और इसको जो है जो हमारा विशाखापट्टनम कोस्ट है वहाँ पर एक्सरसाइज किया जाएगा ये, और इस बार की थीम है सिनर्जी अक्रॉस द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल, जैसे गोको मॉडल, ये जो रिकमेंड किया था ये डीबी सातेकर कमेटी ने रिकमेंड किया था। इसमें जो एक खास बात वो ये है कि इसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सच जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है लाइक लैंड मशीनरी एंड अदर सपोर्ट सिस्टम्स। तो इसका एडवांटेज ये है कि जो भी टारगेट्स हैं दे आर अचीव्ड इन लेसर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन पूर्वोदय इज रेटेड टू, तो मिशन पूर्वोदय इज रेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ स्टील सेक्टर। द मिशन एम्स एट डेवलपिंग द ईस्टर्न स्टेट्स थ्रू एन इंटीग्रेटेड स्टील हब, और माना जा रहा है कि जो ये स्टील हब क्रिएट होगा ये 25 लाख जॉब्स क्रिएट करेगा इस रीजन में। और ईस्टर्न स्टेट्स जो इसमें चूज़ की गई हैं मेनली 5, जिनका नाम है वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड नदर्न आंध्र प्रदेश। ये इसलिए चूज की गई हैं क्योंकि दे आर एक्सट्रीमली रिच इन कुकिंग कोल, बॉक्साइट एंड डोलोमाइट रिजर्व्स। ये जो मेनली स्टील प्रोडक्शन में दीज सर्व एज रॉ मटेरियल, तो इस वजह से इन 5 स्टेट्स को मेनली चूज़ किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो है वो आंसर की है, आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।